हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनीता। टुडे वी डिस्कस द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक देखेंगे। उस ट्रिक के द्वारा आप परमानेंटली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिमाइंड कर सकते हो, क्योंकि इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीईटी वगैरह के लिए भी आते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द आंसर, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल, दैट इज एन माइनस वन डी ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट शेल क्या होती है और इसका मीनिंग क्या होता है, ये हम ऑर्बिट स्ट्रक्चर निकाल के देखेंगे। ओके, वेयर यन इज आउटर मोस्ट शेल, वेयर यन इज द आउटर मोस्ट शेल। फॉर एग्जाम्पल द स्कैंडियम, स्कैंडियम हैविंग एटोमिक नंबर इज 21। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. 4s2, 3d1 इज द लास्ट शेल ऑफ द स्कैंडियम। ओके, हियर आउटर मोस्ट शेल इज n इज इक्वल टू 4, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन n माइनस 1d, दैट इज 3d ऑर्बिटल्स। देन द स्कैंडियम एटोमिक नंबर वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, स्कैंडियम इज 21, अर्गॉन इन ब्रैकेट 4s2 3d1, अर्गॉन having atom electronic configuration is 1s2 up to 3p6, this is the argon, and the last shell is 4s2 3d1. let's start the orbit structure. The penultimate shell kya hoti hai, uska meaning kya hota hai, wo hum dekhenge. Okay, this is the orbit structure of scandium. The last shell, here is the last shell is D shell, and before D shell is the S shell, that is S and D. तो penultimate shell का मतलब क्या होता है वहाँ पर, कि last electron enters the d orbital of the penultimate shell. जो penultimate shell के electrons है उसमें कितने electrons है, 2 electrons है, 4s2. वो कहाँ पे इंटर्स हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं डी शेल में। ओके, यहाँ पर वो मूव हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, व्हाई, बिकॉज द एनर्जी ऑफ डी शेल इज़ हायर दैन द एस शेल। ओके, बिकॉज द एनर्जी डी शेल इज़ हायर दैन द एस शेल, दिस इज द आंसर ऑफ what are the d block elements. Let's start for trick of d block elements. Okay, the d block elements is the intermediate between the s block and the p block elements. The d block elements kahan pe place kiya hua hai, s block and p block elements ke beech mein place kiya hua hai. The s block elements is the highly positively elements and the p block elements is the highly negatively elements. Okay, that's why the d block elements is called as the transition elements. D block elements ko transition elements bhi bola jata hai, ye aapko yaad rakhna hai. Okay, in d block elements mein kitne groups aate hai, the groups of d block elements start from 3 to up to 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, these are the groups of d block elements. And the periods of the d block elements is start from 4 to 7. Okay, this side is the s block elements, so the periods is start from 4 to 7. These are the drawing of d block elements. Then the general electronic configuration is n minus 1 d 1 to 10. मतलब d orbit में, d shell में कितने electrons रहते हैं, 1 to
अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, और द लास्ट शेल इज़ यस दैट इज़ 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहते हैं। दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देन लेट्स स्टार्ट फॉर द ट्रिक ऑफ फर्स्ट सीरीज दैट इज़ द 3D सीरीज स्क तीवी कर मण फे कोनी कुजना। दिस इज़ द ट्रिक फॉर 3D सीरीज। देन 4D सीरीज य झर नभ मोटक रु रह पड़ अग कड़। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि हमें इजीली सिंबल्स याद रहते हैं। ओके, इस ट्रिक को आप जब प्रैक्टिस करोगे और रिमाइंड करोगे तो आपको इजीली ये सिंबल्स याद रहेंगे। और सिंबल्स के पूरे लॉन्ग फॉर्म्स 12th के बुक में दिए हुए हैं, दैट इज स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो उनके फुल फॉर्म 12th के बुक्स में दिए हुए हैं। ओके, देन फॉर 5D सीरीज लाला हफ्ता वसूल रे ओसामा इराक से प्लैटिनम गोल्ड मर्क्यूरी खरीदता है। खरीदता है ये सेंटेंस पूरा करने के लिए यूज़ किया है। इस साइड में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, उस साइड में पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो गोल्ड का आपको यहाँ पे सिंबल याद रखना है AU, मर्क्यूरी इज द HG। ओके, देन लेट्स स्टार्ट फॉर 6D सीरीज ऐसे रफ्ता दबे सजना बाहर हस मत दस रस। दिस इज़ द ट्रिक फॉर 6D सीरीज ऐसे रफ्ता दबे सजना बाहर हस मत दस रस। ओके, दिस इज़ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं और उसके आंसर कैसे लिखने वो देखेंगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन लैंथेनाइड्स आर प्लेस इन द आंसर इज 3D ग्रुप एंड 4th पीरियड्स। देन हाउ लैंथेनाइड इज द हियर इज द लैंथेनाइड 3rd ग्रुप। ओके, एंड द 6th पीरियड्स दिस इज द 6th पीरियड एंड दिस इज द 3rd ग्रुप। दिस इज द आंसर ऑफ लैंथेनाइड्स आर प्लेस इन। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 2 द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज N-1। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज N-1 D1 to 10 एंड NS1 to 2। यहाँ पे याद रखना है कि ये माइनस नहीं है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं 1 to up to 10। इसकी कैपेसिटी बस 10 इलेक्ट्रॉन्स की है। ओके, देन द 3rd क्वेश्चन इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज द डी ब्लॉक इज स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम। देन द आंसर इज व्हाट स्कैंडियम इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। देन द 4th क्वेश्चन इज एन एटॉमिक नंबर 25 बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ एटॉमिक नंबर स्टार्ट फ्रॉम 21 22 23 24 25। 25 इज द मैंगनीज देन इट्स बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कुछ अलग से भी पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपके सामने दिए थे। ओके, तो ऐसे ही ट्रिक्स हम यफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आप इजीली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिमाइंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।